गॉड, मैंने राइट पर निकल के बहुत बड़ी गलती की गाइस। और यहाँ पे देख सकते हैं नजारा वगैरह आगे पीछे बहुत ही ये जो आगे रोंगटंग के जंगल है ना वहाँ पे कुछ होता है कभी? ना कसम गाइस, बहुत ही डरावना वाला सीन हो गया था। आप लोग अगर यहाँ से देख रहे हो ना, आप लोग बताओ ऐसा कुछ है यहाँ पे? हमको नहीं लगता कुछ है, इसका तो हालत देखो ना। मुझे लगा था आज मेरा अंतिम दिन है भाई, मैं तेरे से पीछे था, मैं ब्लॉक कर रहा था, मेरे को पता है ना मैं मैसेज किया हूँ वहाँ पे क्या था मेरे आंखों के सामने। ये सो हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग चैनल में, नो क्लिकबेट नो ड्रामा ओनली रॉक ल्यामा। और मैं आपको बता दूं गाइस, बहुत जन कंफ्यूजन में है, मैंने जो 1 मिलियन सेलिब्रेशन किया था ये चैनल पे, मेरे जितने भी मेन चैनल के आए हुए ब्लॉग में व्यूअर्स है उन सभी को पता है मेरा 2 चैनल है, जो की एक चैनल में मेरा 1 मिलियन हो गया है, ये आप देख सकते हैं रॉक ल्यामा जाके सर्च करें, इसमें प्राइस आपको यहाँ पर कंटेंट डांस का खाली मिलेगा और आपका ये ब्लॉग चैनल जो है मेरा ये ब्लॉग चैनल है। और मैं आपको बता दूं आज मैं पूरा का पूरा मैं आज देख सकते हैं यहाँ पे क्या बोलता है इसको गामछा में हूँ, क्योंकि मैंने कल रात को ही मेरा जो ये सरफ पानी सरफ है ना, मतलब वॉशिंग मशीन तो नहीं है गाइस, अब इसी से काम चलाना पड़ेगा। और इस टाइम में मेरे को बहुत ही मम्मी का याद आ रहा है, अब देखिए 2 चैनल चलाना पड़ रहा है, ब्लॉग डांस वीडियो और साथ में ये कपड़ा, इतना ज्यादा है ना कपड़ा, आई है मेरा यहाँ पे शॉर्ट वगैरह है रात के, और ये सारा जूता को भी मेरे को धोना पड़ेगा। पर कोई नहीं यार, स्ट्रगल अभी मेरे को पता चल रहा है बाहर रहने से क्या होता है, तो मैं इसको धुलाई कर देता हूँ। भाई साहब, सो गाइस फाइनली मेरा काम खत्म हो गया, तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन आया, वन एंड ओनली हमारे बॉबी सर, जो कि अपने काम कर रहे हैं, हेलमेट का माइक लगा रहे हैं, और हमारे प्रेम भाई भी यहीं पे है। तो सीन ऐसा है गाइस, मैं अपने भाई को कोलिस्टर करके बाहर निकाल देता हूँ। और कुछ दिन पहले ना मैं ऐसे ही रेंडमली घूमने के लिए गया था बॉबी के साथ, मैं ब्लॉग नहीं किया था, बट वो जगह जाने के बाद मेरे को ब्लॉग करने का मन किया। गोजोल डोगा का मैं छोटा सा क्लिप एड कर दे रहा हूँ, क्योंकि वहाँ का वेदर से लेकर नेचर बहुत ही अच्छा लगा मेरे को, तो ये पहले चेक करके आइए। सजना जी मैंनु छड़ के नहीं जाना कभी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कभी, एंजॉय तो दिखाना कभी। ओ माय गुडनेस गाइस, ओके गाइस मैंने बाइक वहां पे रख दिया हूं, ठीक है, और यहां पे ये सीन चेक करें, बहुत ही डरावना दिख रहा है गाइस, मतलब इसको देखते देखते ना मेरे को बहुत चक्कर आ रहा है, देखो ना बूम बूम खोला भाई साहब। ये डैम है ना, कौन सा डैम? गाजल डोबा, देखो गाजल कैसे डूब रहा है गाइस। तुम्हारे यूट्यूब चैनल ले आमी तुम्हारे देख। हाँ, अरे थैंक यू। हाँ हाँ हाँ। अपना मैं खंडिये जाट सिला। हाँ जी। अरे थैंक यू सो मच गाइस। एक तो सेल्फी। हाँ हाँ जरूर। और गाइस बता दूं, मैं अभी थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, और ये जो नजारा, माँ कसम आई एम स्पीचलेस गाइस, इतना मजा हो सुनहरा नजारा दिख रहा है ना, कहा बताए। और यहाँ से आता सीधा नेपाल के, अगर आप लोग पोखरा का मजा लेना चाहते हो इंडिया में, तो यहाँ पे आइए काजल डोगा ना किस में, यहाँ देखे नाव, यहाँ से आपको वहाँ वहाँ दूर दूर तक चला के ले जाएगा। एक्चुअली मेरे को भी बहुत ही मन है नाव पे चढ़ने का, बट वी डोंट हैव अ टाइम, आई होप सो नेक्स्ट टाइम आके हम लोग दोस्तों के साथ मौज करेंगे। और मेरा बाइक से ना माँ कसम, मुझे लगता नहीं मैं लद्दाख कर पाऊंगा, पता है मेरा बैक साइड इतना दर्द करता है ना। ये देखिए भाई सी फूड, ये भाई साहब ये क्या है, ये देखिए गाइस झींगा पॉन फिश। इवनिंग को यार रास्ते में चलाने ना इतना मजा आ रहा ना, हम कहा बताए चाचा, जिंदगी का असली मजा तो अभी ले रहा है भाई। सुबह इतना गर्मी था, हम लोग कितना 5 बजे को निकले थे ये शॉर्ट राइड पर, ठीक है, नदी साइड में, और ये रोड अच्छा सा और लाइटिंग से भरा हुआ, अपने बेबी के साथ और आप लोग के साथ मैं, ओ भाई स्वाद आ गया आज। तो गाइस यहाँ पे आपने देखा होगा गोजोल डोगा का वीडियो, किस तरह के मैंने सीनरी और नेचर से भरे हुए जगह पे हम लोग जाके आए थे। नेक्स्ट टाइम हम आपको फुल वीडियो उसके बारे में दिखाएंगे। और नेक्स्ट डे क्या हुआ, मैं अकेला सोलो राइड पे गया सिलगुड़ी से सीधा रोंगटंग में, तो वो सीन थोड़ा चेक कर दीजिए, क्योंकि उसमें मेरा बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हुआ है, चेक करिए। सो गाइस मेरे एल लग चुके हैं, ठीक है, अभी जस्ट मैं सोलो राइड पे निकला हुआ था रोंगटंग के लिए, और यहाँ पे इतना ज्यादा बारिश आ रहा है ना, मैं पूरा का पूरा भीग चुका हूँ, और पूरा का पूरा मेरा राइडिंग जैकेट जो मैंने पहना हुआ अभी वो भी पूरा का पूरा भीग चुका है, और मुझे बहुत ही अभी रिग्रेट फील हो रहा है, ठीक है। मेरे दोस्त बोले थे मत जा, बारिश आ रखा है, माउंटेन में भी बहुत ज्यादा बारिश आएगा, और ये देख सकते हैं नतीजा, मैं ना एक्चुअली बहुत ही जिद्दी, और जिद्दी होने का नतीजा यही होता है, ठीक है। मैंने राइड पर निकल के बहुत बड़ी गलती की गाइस, एक्चुअली हम लोग ना शाम को खाली निकलते ना राइड पर, तो यही है भगवान ने भी देख के हम लोग को आशीर्वाद दिया ये वाला। तो गाइस मैंने अभी दार्जिलिंग मोड़ जस्ट पार किया हूँ, और ये रास्ता से आपको सोनादा घूम दार्जिलिंग तीन धारे सुकना खरसंग होने को मिलता है, ठीक है।
तो मैं तो खरसन के मैं तो अभी रोंगटंग के लिए जा रहा था, पर बारिश के कारण मेरा सब प्लान चौपट हो गया। वाह भाई वाह, मान गए रे भगवान। अभी जस्ट बारिश से मेरा पूरा का तन बदन भीग गया और ऊपर से अभी फिर बारिश खत्म। भाई जब खत्म होना ही था तो आए क्यों आप? ओ भाई साहब, व्हाट अ लवली व्यू। पानी आने के बाद गाइस ये जगह पूरा हेवन हो चुका है। अकेले राइड करने में मजा जो है ना गाइस, किसी में भी नहीं है। माँ कसम चुम्बेश्वरी, नजारा देख सकते हैं, पूरा डरावना टाइप का हो चुका है। मजा ही मजा है ब्रो। ये देखिए यहाँ पे कॉर्नरिंग करने का बेस्ट प्लेस है, पता है आप लोग को, इसलिए मैं आता रहता हूँ रोंगटोंग में। मैं पता अभी पूरा का पूरा भीग चुका हूँ, आई थिंक मैं भूखा पुगार भर जाऊंगा। यस भाई, अरे मेरे वीडियो हेर्दै थिए मैले भने थिए म आउँछु भनेर। ये चेक कर लो, मैं पूरा का पूरा भीग चुका हूँ, ठीक है। और आज के बाद मैं सोलो राइड नहीं आऊंगा। मेरा दोस्त बोले थे मत जा घर से, पर मैं तो पूरा का पूरा आ गया और बारिश में बीच में इतना भीग गया ना, मेरा हालत अभी बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है, ठीक है। रात का जो राइड का मजा ना गाइस, अनएक्सपेक्टेड वाला मजा है, पता। ओ भाई साहब मजा है ब्रो, चारों तरफ कोहरा, मां कसम कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा मेरे को। तो यहाँ पे आपने चेक किया होगा कैसे मेरा बेहाल हुआ था, पर फिर भी मैं अपने डेस्टिनेशन पहुंच के आ गया जैसे तैसे करके। और नेक्स्ट डे से शुरुआत हो रहा है, मैं भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाता हूँ, तो मिलते सीधा मोटर ब्लॉगिंग सेटअप में। काम खत्म हुआ अभी तक नहीं हुआ? अरे भाई कितना लेट करता है ये बॉबी और प्रेम। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे मुन्नी बदनाम हुई है, डार्लिंग तेरे लिए हल्क है ये हल्क है, वो हेला है, तो वहाँ पे हमारे थॉर क्या पता नहीं क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका है, हम लोग बहुत सारा रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा राइडिंग जैकेट के साथ मैं फुल सेफ्टी के साथ मैं आ गया हूँ। और आज हम आपको कहाँ जाएंगे घुमाने के लिए बता दे? शिवखोला। आई डोंट नो शिवखोला कहाँ पे, बट आगे जाते जाते जस्ट जर्नी में आपको पता चलेगा शिवखोला क्या नहीं। तो चलते चलिए। ऑलराइट गाइस, ऑलराइट, आप सभी का स्वागत है। हम लोग आ चुके मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे। बहुत दिन बाद मैं आप लोगों को एक्सप्लोर कराने जा रहा हूँ गाइस, बहुत ही मजा आने वाला है। यहाँ पे ट्रैफिक के जाम लगते हुए आगे पीछे से गाड़ी आते हुए अब यहाँ से हम लोग को राइट टर्न लेना पड़ेगा। राइट टर्न, काकू बीच में खड़े हो गए आप तो। अरे भाई ये सिलगुड़ी का ट्रैफिक ना मेरे को बहुत कंफ्यूजन में पार देता है, पता है। अभी तो धीरे धीरे करके मैं लाइन पे आ चुका हूँ, ट्रैफिक को रूल्स को थोड़ा समझने लगा हूँ। सिलगुड़ी में रह के गाइस बहुत ही मजा आ रहा है। जब मैं फर्स्ट टाइम आया था ना, उस टाइम मैं ना बहुत ही अनकंफर्टेबल था भाई, घर से दूर, मुझे नहीं लगता था कि मैं यहाँ पे रह पाऊंगा। तो फाइनली मैं यहाँ पे अभी तो मैं सिलगुड़ी में पूरा का पूरा सेटल हो चुका हूँ। प्लीज गाइस आप लोग ना कमेंट करके बता देना क्या मैं डेली ब्लॉग्स करूँ या हर एक दो दिन बाद ब्लॉग करूँ, ठीक है। मैं बहुत ही कंफ्यूजन में हूँ एक दो दिन, क्योंकि यहाँ पे गर्मी के मारे ना हम खाली शाम को निकलते हैं राइडिंग पे। सबसे ज्यादा ना मेरा निंजा को ना गाइस रोड में भगाने में तो बहुत ही मजा आता, पता है। पर ये जो ऑफ रोडिंग है ना, इसमें मेरा थोड़ा सा हालत खराब हो जाता है भगाने में। बहुत जल्द ना मेरा हाथ दर्द करने लगता है और पीछे का बैकबोन दर्द करने लगता है, इसीलिए मैं लॉन्ग टूर के लिए ना अभी से प्रिपरेशन कर रहा हूँ शॉर्ट ट्रिप मार के। तो यहाँ पे गाइस हमारा पोपट होने वाला है फिर से, क्योंकि बारिश फिर से आ रहा है। मेरा भाईजर में ना पानी लग के पूरा का पूरा कुछ भी अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। ये देख सकते हैं ये सैलबाड़ी का बाजार है, यहाँ पे बहुत भीड़ रहता है शाम को ना। ओए भाभी एटीएम है, वो निकाल के आ रहा हूँ, ठीक है रुक नीचे। अरे भाई साहब नीचे तो बहुत गड्ढा है रे, वही माक का बाइक डील पे रखा हुआ है, थोड़ा देखते रहना आ रहा है। ऑल राइट गाइस, मेरा ना कैश खत्म हो गया है, तो ऊपर आई डोंट नो कोई सिस्टम नहीं है एटीएम वगैरह, तो यहीं से थोड़ा सा ले रहा हूँ एक दो रुपया। ठीक है, आलूमिमी खाने के लिए कुछ एक दो रुपया ले लिया हूँ, ठीक है। और हमारे दोस्त लोग वहाँ पे बैठे हुए, आई थिंक वहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर आए हुए, थोड़ा सा भीड़ लगा हुआ है, जाके देखते है हमारे लोंडे लोंडिया को क्या हो रखा है। हजुर, अरे कैसे ना कैसे ना, ओके लो ले लो। चलो चलते हैं। तो यहाँ पे सीन चेक कर सकते हैं गाइस, 105 रुपए हुआ था, इससे पहले ना 110 कितना था, अभी 10 रुपए घटा हुआ है। सो आई इन फ्यूचर में और भी ज्यादा घटे, ताकि हम राइडर्स को थोड़ा सा आसानी हो राइड करने में। यहाँ पे पता है गाइस सीन बहुत ही खराब हो चुका है, मेरा जो ये राइडिंग शूज है ना, इससे ना यहाँ पे बहुत ज्यादा स्क्रेचेस आ गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। और मेरा पता नहीं ये पैर रखने वाला कहाँ पे गिर गया, कोई एक्सीडेंट वगैरह भी हुआ नहीं है, स्पीड से गिर गया बोल रहा है बॉबी तो। और यहाँ पे जो लेमिनेट किया था मैंने, उसका भी थोड़ा सा स्क्रेचेस यहाँ पे दिखाई देने को मिल रहा है, इसको भी हम चेंज करेंगे। राइट गाइस, यहाँ से हम लोग का राइड स्टार्ट होता है, आपको अभी देखने को मिलेगा रोंगटंग का रास्ता होता है। ये देख सकते हैं गाइस, व्हाट अ लवली व्यू, अमेजिंग। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई,
ओ भाई साहब फर्स्ट टाइम गाइस मेरे बाइक के साथ यहाँ पे देख सकते हैं दार्जिलिंग का टॉय ट्रेन। बाय बाय, आज तो देख ही लिया राइड करते करते दार्जिलिंग वाला ट्रेन भी। ऑलराइट गाइस, हम लोग आ चुके हैं रोंगटोंग के रास्ते पर, तो राइड करने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। बाबू यहाँ से कितना दूर है? आई थिंक यहाँ से आधा घंटा लगभग कितना लगेगा। और ये देख सकते हैं पूरा का पूरा, माँ कसम गाइस बहुत ही मजा आता है यहाँ पे राइड करने में, पता है। लग जा रहे हम बोल रहे, ओके थैंक यू सो मच। ओ भाई साहब, भाई मोटू कामने लगा था यहाँ पे, माय गॉड। हमारे पुलिस दादा आगे पीछे, पता नहीं अब बॉबी क्या कर रहे हैं वहाँ पे। रुक ना, क्या हो, क्या बोला? जाओ। अरे बॉबी क्या किया पता है वहाँ पे, इसके पास लाइसेंस था पर बॉबी वहाँ पे रुक के बोल रहा है रुक ना, हम दे रहे मतलब कंटेंट ढूंढ रहा था ये पुलिस लोग के साथ। ना चेक क्यों करता है पता है, यहाँ पे ड्रिंक एंड ड्राइव का वो होता है ना, तो इसलिए हमारे सर लोग वहाँ पे बैठते हैं। अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे ऊपर, तो मैं आपको बता दूं गाइस, हम लोग रोंगटोंग जब भी आते हैं खाली वहीं दादा के दुकान तक आते हैं, बट आज के दिन तो हम लेके जाएंगे शिवखोला जो कि बहुत ही ऊपर है और गाड़ी पे प्रेशर पड़ेगा, पर कोई नहीं, प्रेशर पड़ने दो, आप लोग के लिए सब कुछ हाजिर है गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं शिवखोला का सफर। माँ कसम सबसे पहला रूट से ही मेरे को ना प्यार होगा। ये देखिए आगे पीछे हम लोग का टी गार्डन, ये देख सकते हैं नीचे टी गार्डन, ऊपर भी गार्डन और यहाँ पे बीच में रास्ता। बॉबी बोला है जैसे जैसे तू ऊपर जाते जाएगा ना, तो वैसे ही रास्ता भी छोटा होते जाएगा, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। ओ भाई साहब, व्हाट अ लवली बॉर्ड पीपल को गाज गाइस। तो गाइस हम लोग शिवखोला जाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ना बारिश आ रहा है, ठीक है, और ऊपर से कॉल आ रहा है पूरा टॉर्नेडो वगैरह पूरा कड़ंग गुड़ंग चौटंग मार रहा है, तो इसलिए हम लोग नहीं जा रहे। तो अभी यहाँ पे ये दुकान पे रुके ना, हम लोग आलू मिमी खाएंगे, बहुत ही ज्यादा भूख भी लग रहा है और मेरा पूरा का पूरा राइडिंग जैकेट जो सूट है ना पूरा का पूरा भीग भी गया है। तो अंकित, ए अंकित, अंकित, अंकित कैसे? अंकित, अंकित को बिस्किट खिला दे। ओके गाइस, मैं तो बहुत ही ज्यादा भीग के ना अभी बहुत ही सर दर्द कर रहा है, और यहाँ पे मैंने एनर्जी ड्रिंक मंगाया हूँ, रेडबुल, दोस्तों का भी पेप्सी आ रखा, और हम लोग ने ना 3 आलू मिमी बोल दिया हूँ और 6 मिमी उसको खाएंगे लपट से खा के ना, और सोचेंगे ऊपर जाएंगे या नहीं क्योंकि बारिश आ रखा है, बहुत ही ज्यादा टेंशन हो रहा है। तो मैं ना दोबारा बीमार होना नहीं चाहता हूँ, क्या बोलता चाहता हूँ, हंसने का पीछे ना उसका रीजन कुछ और है क्या। ओके गाइस, फाइनली हम लोग का नेपाली का फेवरेट आलू मिमी यहाँ पे आ चुके, देख सकते पूरा का पूरा लाल झाल से भरा हुआ है, ठीक है, और साथ में ये इसको डालते है ये चावल है ऊपर से, और साइड साइड में यहाँ पे देख सकते हैं मटन चिकन गार्निशिंग करके, सो इसको फटाक से खा लेते हैं, और बारिश अभी तक रुका नहीं है तो एक बार टेस्ट कर लेता हूँ, बहुत दिन बाद खा रहा हूँ ये भी। सो ऑलराइट गाइस, बहुत घंटे बैठने के बाद ना बारिश रुकी नहीं जा रहा है, और यहाँ पे हम लोग खाते खाते ना अभी बोरिंग हो गया हूँ, ये कपड़ा भी बहुत ही ज्यादा भीग गया है, और यहाँ पे हम लोग ने कॉफी मंगाया हूँ, सो फटक से कॉफी खाते हैं ताकि थोड़ा सा शरीर पे गर्म महसूस हो। चलो आज के शाम हमारे ये वादियों का नाम गाइस, वी आर लिविंग फ्रॉम हियर। काफी टाइम रहने के बाद हम लोग डिसीजन लिए कि ये माउंटेन का वादी जो है ना चेंज ही नहीं होगा, पता है अभी भी थोड़ा थोड़ा बारिश आ रखा है, हम लोग पूरा का पूरा भीग चुके हैं, बोली बस तेरा हमला, चल भाभी। और आई एम सो सॉरी गाइस, हम लोग का डेस्टिनेशन था, हम लोग वहाँ पे पहुँच नहीं पाए, बट नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर वहाँ तक पहुँचा जाएंगे क्योंकि वो है हमारा शिवखोला। तो ये रोंगटोंग का जो रास्ता है ना, सुबह चलाने में बहुत ही हेवन वाला प्लेस, बहुत ही मजा आता है राइड करने में, बट रात को ना जितना हेवन वाला प्लेस है ना उतना ही डरावना दिखता है, पता है यहाँ पे एक हॉरर मूवी का सीन टाइप का यहाँ पे क्रिएट होता है रात को, तो इसलिए रात को अकेला मत आया कीजिए। हम लोग काफी रोंगटोंग से ना नीचे आ चुके हैं, और प्लेस जो है ना बहुत ही हंटेड वाला प्लेस हो चुका है, आगे पीछे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, पर सच में गाइस आज ना बहुत ही ज्यादा मजा आया, पता है, माँ कसम चुम्बेश्वरी वाला सीन आ गया, और यहाँ पे देख सकते है नजारा वगैरह आगे पीछे बहुत ही। ए माँ का, ए क्यों क्यों, बोबे, ए माँ का, बोबे, भागा, भागा, बोबे, अरे माँ का क्या कर रहे हो, अरे माँ का, अरे भाई साहब, अरे माँ, अरे, ओ भागा, माय गॉड, अरे, अरे, साता पुतला उड़ गया, अरे भाई साहब, भागा बॉबी, अरे, भागा, मत रुक, बॉबी मत रुक आजा, मत रुक, अरे माँ को समझा ऐसा आप लोग ने देखा वहाँ पे क्या था, ओ फक, फक, ओ, माँ का, ए बॉबी, बॉबी, बॉबी वहाँ पे कुछ देखा तूने, हाँ, ए बॉबी
अरे भाई साहब, अरे बड़ा सा कुछ हाथियों के पीछे था मक्का, और घंटा हाथी वैसा थोड़ी ना होता है, हाथी मेरे को मालूम नहीं चलता, इतना सामने से क्रीचर्स टाइप का था, क्रीचर्स नहीं भाई, मेरा हाथी से इतना दिल धड़कता है क्या? अरे भाई मेरा रोंगटे खड़ा हो गया वहाँ पे, मेरे को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है यहाँ पे अभी। अरे भाई साहब सब तेरे का, ओ भाई, अरे भाई साहब तूने देखा वहाँ पे? हाँ, अरे मक्का मेरा हालात खराब हो रखा है, ये जो आगे रोंगटंग के जंगल है ना वहाँ पे कुछ होता है कभी? अरे भाई साहब मैंने कुछ देखा क्रीचर्स टाइप का, वो बोला हाथी है भाई, हाथी होने से थोड़ी ना मेरा ऐसा हाल होता है भाई। नहीं नहीं हाथी नहीं था वो, कुछ अलग ही टाइप का था। अरे भाभी बहुत ही ज्यादा वो फील हो रहा है मेरे को, ब्लॉक करते आ रहे थे ना ये मेरे आगे था तो मैं ब्लॉक कर रहा था, तो मैं ऐसे ऐसे कर अचानक से मैं घूमा, माँ कसम इतना बड़ा दानव जैसा कुछ अलग ही था वहाँ पे, माँ कसम गाइस बहुत ही डरावने वाला सीन हो गया था अभी जस्ट। अरे ऐसा नहीं है भाई, हाथी होगा भाई, हाथी होगा तो मैं ऐसे भगाऊंगा, मेरा पैर अभी भी बहुत ज्यादा काम रहा है गाइस। अरे ब्रो ऐसा कुछ नहीं, हम तेरे को बोल रहे ना गाइस, आप लोग अगर यहाँ से देख रहे हो ना आप लोग बताओ ऐसा कुछ है यहाँ पे? हमको नहीं लगता कुछ है, इसका तो हालत देखो ना। मुझे लगा था आज मेरा अंतिम दिन है भाई, मैं तेरे से पीछे था, मैं ब्लॉक कर रहा था, मेरे को पता है ना मैं महसूस किया हूँ वहाँ पे क्या था मेरे आंखों के सामने, ये जंगल के बीचों बीच। ओके गाइस मैं वीडियो को यहाँ पे एंड कर दे रहा हूँ, मेरा हालात बहुत ही ज्यादा हालात खराब हो गया और हम लोग सिलगुड़ी के नीचे आ चुके, ठीक है मैं रूम जाके थोड़ा सा रेस्ट करके मैं सो जाऊँ, आज से पहले ऐसा डरावना कभी नहीं देखा था मैंने। और आप लोग कमेंट कर देना वो रोंगटंग के सामने जो कोई भी जाता है राइड करने, आज तक आप लोग के साथ ऐसा कभी हुआ या नहीं। सो आज के लिए वीडियो में इतना ही, मैं जा रहा हूँ घर पे, सो गुड नाइट, कैंची तुम लोग रैक 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 डैक डैक।